नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रुथवे न्यूज़ और मैं हूं हर्ष शर्मा। बठिंडा के एम्स अस्पताल में आज जूनियर डॉक्टर्स द्वारा धरना देकर प्रदर्शन किया और हड़ताल पर बैठ गए। डॉक्टर्स का कहना है कि यूनिवर्सिटी की 30 मार्च की मीटिंग के बाद उनके द्वारा किए जाने वाले कोर्स की मान्यता ना होने के कारण उन्हें डिग्रियां नहीं दी जाएंगी, जिसके रोष के चलते आज सभी डॉक्टर्स द्वारा इमरजेंसी सेवा छोड़कर बाकी सारी सेवाएं बंद कर हड़ताल पर बैठकर नारेबाजी की। आइए देखते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर अभिमन्यु अग्रवाल है, मैं यहाँ पे एमडी की डिग्री ले रहा हूँ और मैंने INICET जो एग्ज़ाम होती है एम्स नई दिल्ली से, उसके थ्रू यहाँ पे एडमिशन लिया था। और ये मेरे बाकी सारे कलीग्स हैं, हम 50 लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया था, 50 में से 6 लोग जो पहले चले गए, उन्हें कहीं और सीट मिल गई, यहाँ के मिसमैनेजमेंट से परेशान होकर कहीं और चले गए। हम 44 लोग बचे हैं। 30 मार्च 2022 को जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उसने एक मीटिंग ली और उसमें ये डिसीजन लिया कि जो हमारा जो कोर्स है रिकॉग्नाइज नहीं है, जब तक हम यहाँ ठेके की नौकरी करेंगे। अकेडमिक जेआर का मतलब होता है जो लोग यहाँ पढ़ेंगे उन्हें कुछ पैसा दिया जाएगा और डिग्री दी जाएगी, और नॉन अकेडमिक जेआर वो होता है जो यहाँ से केवल पैसा लेंगे, उन्हें भी डिग्री नहीं दी जाएगी, उन्हें कोई ज्ञान की परिभाषा नहीं दी जाएगी। परंतु ये कॉलेज का और मिनिस्ट्री का अब ये कहना है 30 मार्च की मीटिंग के बाद कि हम सब नॉन अकेडमिक जेआर हैं, हमें कोई डिग्री नहीं मिलेगी, हम बस यहाँ से पैसा लें और जाएं। इस कॉलेज की IPD OT कॉम्प्लेक्स फंक्शनल नहीं है, इस वजह से मिनिस्ट्री ने फैसला लिया है। इस वजह से हम यहाँ पे, हमको ये वाली बात 21 जुलाई को हमारे डीन सर के द्वारा प्राप्त हुई, तो हमने और हमसे ये कहा गया डीन सर द्वारा कि आप हमें लिख कर दे दीजिए कागज़ पर कि आपको जो फैसिलिटीज मिली है आपको तो संतुष्ट है, बाकी आपको जो सिचुएशन है वो किस तरह से बताएंगे। आज किस तरह का प्रदर्शन किया गया? ये प्रदर्शन हम बहुत साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर का खिलवाड़ हुआ है। हमने यहाँ पे पढ़ाई की, एंट्रेंस एग्जाम दिया कि फर्जीवाड़ा नहीं किया है, हम देश के टॉप इंस्टीट्यूट है एम्स, हमको बोलते हैं कि बादल विलेज जाना है, वहाँ काम करना है, बादल फैमिली ने ये कॉलेज बसाया, उन्होंने इतना पैसा मिनिस्ट्री से लिया और यहाँ पे लोगों ने क्या किया। मैं तो बस इतना बात कहना चाहता हूँ, या तो मेरी डिग्री रिकॉग्नाइज कर दो या मुझे यहाँ से भगा दो, मैं फिर से पढ़ाई कर लूँगा, निकल जाऊँगा यहाँ से, पर मैं ऐसे इंस्टीट्यूट में नहीं रहूँगा। ये लोग साफ साफ झूठ बोलते रहते हैं। आज भी हम पूछ रहे हैं यहाँ की IPD फंक्शनल है, IPD में जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो ऑन पेपर है कि नहीं है, कि कुछ बोलते ही